Good morning, students of grade 3. I am your English teacher, Khushi Dadij, and today we will continue with block 23. And date you have to mention, today's date is 17-21. S3 is practicing the play. Ab practice kar raha hai play ko. Okay, the play has been done, but you have to practice. See, fill in the following information about your scene. Scene, kaun sa kar rahe ho? Jaise aap kar rahe ho scene 2, you are doing scene 2, okay? Then, where does this scene takes place? Ab ye scene hua kaha hai? The It takes place in the drawing room of Seema's house. Okay, this is the correct answer you have to write. Next is, what part do you play? अब उसमें से कौन सा पार्ट करेंगे? सी, जैसे मैं सीमा का रोल पार्ट करूंगी, तो I'll write I play, I played the part of Seema. तो मैंने सीमा का पार्ट प्ले किया. जैसे मैं बोलूँ, मैंने इस सीन में क्या प्ले किया? सीमा का पार्ट प्ले किया. सी, नाउ हु आर द अदर कैरेक्टर्स इन दिस सीन? सीन में कौन से अदर कैरेक्टर्स है? टू चिल्ड्रन आर देयर, आंट इज देयर एंड ग्रैंडमा इज देयर. ठीक है, यहाँ पर कौन कौन है? इतने सारे जने हैं. नाउ रिमेनिंग अदर्स आर ऑल्सो देयर, बट वी विल राइट दिस वन. ओके, डिस्क्राइब व्हाट हैपन इन दिस सीन. क्या क्या होता है इस सीन में? सीमा हैज हर एग्जाम, बट एवरीवन इज डिस्टर्बिंग हर, सो शी इज अनेबल टू स्टडी. इस सीन में क्या हो रहा था? सब उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, है ना? सब उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, दैट्स वाई शी इज नॉट एबल टू स्टडी. ओके, दिस इज अबाउट सीमास सीन. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, हाउ डज योर कैरेक्टर फील इन दिस सीन? तुम्हारा कैरेक्टर जो तुमने प्ले किया है वो कैसा फील कर रहा है और क्यों कर रहा है? सो विल राइट द कैरेक्टर इज फीलिंग डिस्टर्ब. वट इज फीलिंग डिस्टर्ब? बिकॉज, वाई? बिकॉज Because no one in the house is letting her to study for her history exam. ठीक है, no one is helping or letting her to study for history exam. This is the answer for question number 2, and we have completed S3, that is page number 37. Now come to page number 38. Page number 38, as you can see, again you have to mention today's date and which block is this, 23. Enacting the play, you have to fill the checklist. Here a checklist has been given, you have to fill the checklist, and checklist is like, question is, I read my lines fluently and clearly. Yes, मैं अपनी line fluently और clearly करती हूँ. Yes, tick. I looked at my audience, मैंने अच्छे से perform किया और audience को देखा. Yes, I listened to the lines of other characters, sometime, कभी कभी देखा.
आई इमेजिन माई सेल्फ एज द कैरेक्टर इन द प्ले. देखो मैं अपने आप को कैरेक्टर में प्ले में इमेजिन कर रही थी. येस समटाइम आई यूज पंचुएशन मार्क्स टू रीड माई लाइन्स विद फीलिंग्स. ठीक है, मैं पंचुएशन मार्क्स जो है वो यूज कर रही थी. जैसे कॉमा आ गया तो आई यूज टू स्टॉप एट दैट प्लेस, तो दिस इज ऑल्सो येस. समटाइम आई फॉलोड द स्टेज डायरेक्शन फॉर माई कैरेक्टर, एंड मैंने क्या किया, स्टेज डायरेक्शन भी फॉलो किया. येस समटाइम. सो आई हैव डन वॉट आई हैव फिल्ड द चेक लिस्ट. हाउ कैन आई इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस, कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर टू, हियर इट इज, लाइक डिस्क्राइब योर रोल इन द प्ले. अब आपका रोल क्या था प्ले में, दैट यू हैव टू डिस्क्राइब. आई प्लेड द रोल ऑफ सीमा, मैंने रोल सीमा का प्ले किया था. आई वॉज ट्राइंग टू स्टडी फॉर माई एग्जाम, मैं अपने एग्जाम के लिए स्टडी कर रही थी, कोशिश कर रही थी. बट एवरी वन इन द फैमिली वॉज डिस्टर्बिंग, बट फैमिली में जो भी थे वो मुझे क्या कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे एंड नॉट लेटिंग मी टू स्टडी फॉर माई एग्जाम, और मुझे पढ़ाई करने नहीं देते. दिस इज रोल ऑफ सीमा वॉट आई हैव प्लेड. ओके नाउ क्वेश्चन थ्री इज, हु इज योर फेवरेट कैरेक्टर इन दिस प्ले. फेवरेट कैरेक्टर है मेरी ग्रैंड माँ, तो रीजन देना है माई फेवरेट कैरेक्टर इन दिस प्ले इज ग्रैंड माँ, बिकॉज शी इज लविंग एंड ऑफरिंग लड्डूज टू एवरी वन. वो क्या कर रही है, सबको लड्डूज ऑफर कर रही है, एवरी वन अगेन एंड अगेन बार बार कर रही है. सो दिस इज माई फेवरेट रोल, ग्रैंड माँ वाला. ओके सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेल एंड फिल इट अप. ओके थैंक यू फॉर टूडे.